मध्य प्रदेश के विकासखंड घोरा डोंगरी अंतर्गत टेरी अमडाना में ओला वृष्टि से करीबन 200 लोग किसान हैं जिनके खेतों का बर्बादी हुआ है। क्या क्या लगाया था सर? हम लोग लगाए थे, ये गेहूं डाले थे, 6 क्विंटल गेहूं था, चना था 5 क्विंटल और मक्का लगाए थे 4-5 किलो। सभी सब्जी लगाई, सभी प्रकार की, पूरा चौपट हो गया सर। इसमें लागत जो आया कितने का आया, कैसा क्या खर्चा किया था इसमें सर? इसमें 80-90 हज़ार का लागत आया था सर इसमें। ये आप सब पर लागत कहाँ से कैसे पूरा करते हो? ये सोसाइटी से उठाए थे सर, लोन उठाए थे सोसाइटी से, उसी से हम लोग खेती बाड़ी उसी से बेच बाच के और उसी को भर देते और फिर उसी से उठा लेते सर 6 महीने 6 महीने। अच्छा, उसमें कुछ ब्याज ब्याज पर सेट लेते नहीं थे? समय पे जमा करते तो नहीं लगता सर, यदि समय चुका देते तो। तो इस बार कैसा पूरा करेंगे? अरे इस बार तो सर कुछ कर नहीं सकते, कैसा क्या, हमको ऐसा हो गया कि घर से कोई लाश निकल गया, वैसा हो गया सर घर पे। आपके गांव में लगभग कितने किसान हैं इसमें? ये गेहूँ का फसल वाले किसान तो कम से कम सर 35 से पोंगे इसमें हमारे गाँव में, डेरी अमडाना में। आप क्या चाहते हो सर? क्या आप चाहते हो? आप शासन द्वारा कुछ मिल जाए जो मौजा है, मतलब हम तो गया परिवार, कैसे पलेंगे? हमारा नहीं, 20 परिवार है, ये खेती के पीछे हम पल रहे थे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे घोरा डोंगरी तहसील के अंतर्गत तहसीलदार महोदय श्रीमती सविता यादव से 97-53-34-19-47 पर फ़ोन करें ताकि हमारे फसलों का सर्वे किया जाए और हमें मुआवजा मिले। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।